सो गाइज, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि अपना जैसे ही OB40 का अपडेट आ जाएगा, उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को अपना जो मैजिक क्यूब स्टोर है उसमें भी आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा। एंड गाइज, आज सुबह अपने गेम के अंदर फ्री फायर वालों ने भी यहाँ पर हमको अपडेट दे दी है। यहाँ पर आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर गाइज साफ साफ लिखा है कि आप लोगों को 31 मई को यहाँ पर जो मैजिक क्यूब स्टोर है उसके अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर गाइज एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बल्कि आप लोगों को यहाँ पर 20 बंडल देखने को मिलेंगे, वो भी गाइज एकदम नए बंडल। तो गाइज, आप लोगों को नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर जो 20 बंडल देखने को मिलने वाले हैं, उन सभी का मैं आप लोगों को रिव्यू आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहना। एंड लास्ट में मुझे आप लोग ये बताना कि आप लोगों को 200 बंडल में से कौन सा बंडल सबसे बेस्ट लगा। तो गाइज, अपना जो फर्स्ट बंडल आता है वो है गाइज अपना स्कल फाइटर बंडल। ये गाइज मैं कसम से आप लोगों को बताऊँ तो काफी पुराना बंडल है, काफी कम बंदों के पास ये वाला जो बंडल है वो होगा। तो गाइज ये अपना बंडल आने वाला है। फिर इसी का आप लोगों को फीमेल वर्जन देखने को मिल जाता है, स्कल बंडल, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पर अपना जो बंडल आता है वो है गाइस एंसिएंट ग्लोरी बंडल। ये भी गाइस काफी पुराना बंडल है भैया। ये सारे बंडल ना आप लोगों को बहुत समय पहले डायमंड रोड में देखने को मिले थे। तो ये सारे बंडल अभी आप लोगों को अपना जो नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट आएगा उसके अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इसी का आप लोगों को यहाँ पर जो फीमेल वर्जन है टोटेम, इसका कुछ नाम होने वाला है। इसके बाद में गाइस आप लोगों को यहाँ पर कोल्ड फ्रॉस्ट बंडल भी देखने को मिलेगा, जो कि गाइस यहाँ पर काफी कमाल का होने वाला है। एंड गाइस इसी के साथ में आप लोगों को इसका जो मेल वर्जन है हेटेड क्रस्ट, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी गाइज अपने काफी पुराने बंडल है। फिर गाइज आप लोगों को यहाँ पर क्रेजी डीजे का बंडल देखने को मिलेगा। सो ये भी गाइज आप लोगों को काफी पुराने अपना जो मैजिक क्यूब स्टोर था तब देखने को मिला था, लेकिन अभी गरेना वाले ने इसको रिमूव कर दिया। सो ये भी आने वाला है। फिर गाइज अपना जो हंडर स्ट्राइक बंडल है, ये गाइज आप लोगों को शायद से याद होगा रैम्पेज के टाइम पर आया था। सो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर गाइज अपना ऑपरेशन इलेट करके एक बंडल है, सो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर गाइज इसका जो फीमेल वर्जन है द कंटीजेंसी इलेट बंडल, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो इसका भी आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो। इसके अलावा गाइज आप लोगों को 11वां बंडल जो देखने को मिलेगा वो है गाइज अपना योकाई साउल सीकर बंडल। ये भी गाइज आप लोगों को बहुत समय पहले अपने डायमंड रॉयल के अंदर दिया गया था, मेरे पास तो ऑलरेडी है, आप लोगों के पास है या फिर नहीं है कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना। इसके अलावा गाइज मेरा सबसे जो फेवरेट बंडल है ना फीमेल का, वो गाइज ये वाला है डचेस स्वेलो टेल बंडल। ये गाइज मुझे काफी पसंद है भैया। मुझे याद है मैंने इसको 2017 या फिर 18 में मैजिक क्यूब से एक्सचेंज किया था, तब गाइज आप लोगों को मैजिक क्यूब भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एंड गाइज मैजिक क्यूब के अंदर बंडल भी काफी ओपी थे, तो भाई बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाला जो बंडल है उसको निकाला था। इसके बाद में गाइज जो 13वां बंडल अपना आता है वो है गाइज गोल्डन बेल बंडल। ये तो गाइज अभी मैंने रिसेंटली 2-4 महीने पहले ही एक्सचेंज किया है शायद से, तो ये मेरे पास ऑलरेडी है। फिर गाइज अपना जो वेम्पायर के बंडल है, फीमेल का और मेल का दोनों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप लोगों को अपना जो पुराना मैजिक क्यूब स्टोर था तब देखने को मिलते थे, लेकिन अभी गरेना वालों ने इसको भी रिमूव कर दिया है। सो ये वाले जो वेम्पायर के बंडल है ये भी आप सभी लोगों को यहाँ पर अपना नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर आएगा 31 मई को उसके अंदर देखने को मिलने वाले है। फिर गाइज यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो साउल सीकर का बंडल दिखाया था उसका फीमेल वर्जन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का अपना जो बंडल है वो होने वाला है। फिर गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट बंडल आता है वो है गाइज जजमेंट आयरन फेस बंडल। सो आप लोग इसका भी रिव्यू देख सकते हो, ये भी काफी कमाल का होने वाला है। फिर गाइज यहाँ पर जो बंडल आता है वर्डिक्ट आयरन फेस बंडल, इसी का फीमेल वर्जन होने वाला है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वाला बंडल भी आप लोगों को मिलेगा। देन गाइज यहाँ पर नेक्स्ट बंडल की मैं बात करूं तो गाइज द कंटीजेंसी इलाइट शायद ये आ चुका है, ये वाला आ चुका है, हाँ ये वाला आ चुका है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। फिर गाइज यहाँ पर वेनम टच वाला बंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी गाइज आप लोगों को अपना रैम्पेज का इवेंट आया था तब आप लोगों को देखने को मिला था। काफी सारे बंदों के पास ये ऑलरेडी होगा मैं जानता हूँ, मेरे पास नहीं है, तो ट्राई करूंगा अगर निकल जाता है तो, मेरे पास 4-5 मैजिक क्यूब पड़े हैं। इसके बाद में गाइज लास्ट वाला जो अपना बंडल आता है वो है गाइज वायोलेट फ्लेम बंडल। ये भी गाइज मुझे काफी पसंद है, लेकिन गाइज मैं काफी समय से इसका वेट कर रहा था कि कब हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फाइनली 31 मई को ये वाला बंडल भी आ जाएगा, सो इसको मैं एक्सचेंज कर लूंगा। तो गाइज ये थे सारे अपने न्यू मैजिक क्यूब स्टोर के बंडल जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे बंडल मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब गाइज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों को ये 200 बंडल में से कौन सा बंडल सबसे पसंद आया, कमेंट करके अपना आंसर मुझे जरूर बताना। सो आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतनी इन्फॉर्मेशन है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं लगाऊंगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों को आगे भी ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं जितना हो सके उतना जल्दी आप लोगों को अपने गेम के अंदर आने वाले न्यू न्यू इवेंट
अपडेट के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। सो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ भूलना मत बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर देना, ताकि मैं अपनी चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।